हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैराथन न्यू वीडियो। सो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि हमने किया कैरेंस का रिव्यू किया था, उसका ऑनरशिप का आपको एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो आज हमारे पास है महिंद्रा माराजो 2018 मॉडल है ये, और आज हम इस गाड़ी का एक डिटेल वाकरण रिव्यू देंगे आपको, और साथ ही इनकी जो ओनर है वो भी हमारे साथ है, और उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज हम इनके ऑनर से मिलेंगे जो कि प्रशांत जी। हेलो प्रशांत जी, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे आप? ठीक है। और बताइए, आपने ये गाड़ी कब ली थी? गाड़ी हमने ली थी अक्टूबर 2018 के आसपास में ली थी हमने गाड़ी। अच्छा, आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम? उस टाइम वही है, मुझे इसका जो बेस प्राइस, इसका प्राइस जो है एमसीस का 13 लाख समथिंग, उसका मतलब तो क्लियर नहीं है, लेकिन 13 लाख समथिंग मुझे पड़ गया था। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये W6 मॉडल है, ये टॉप से एक नीचे है। हाँ, टॉप से एक नीचे, मॉडल से एक नीचे। और अभी तक आपने इस गाड़ी को कितने ड्राइव कर लिया? गाड़ी को 50 प्लस है, 50,000 प्लस गाड़ी ड्राइव की। लॉन्ग ड्राइव में गई हुई है, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लगभग लगभग बना रहा। आपको मैं बता दूं, भैया जो है माइनिंग इंजीनियर है, तो ये कार लेके अक्सर अपने जाते रहते हैं ऑन फील्ड ऑफ फील्ड जाते हैं। और आप माइनिंग की आप जानते होंगे कि रोड कैसी रहती है, जाहिर सी बात है उबड़ खाबड़ी रहेगी, तो उसमें ये गाड़ी बहुत बेटर परफॉर्म करती है। ऑफ फील्ड में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। सो अब बात करते हैं हम लोग इसके फ्रंट प्रोफाइल के। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरह की ग्रिल मिल जाएगी बड़ी सी, और ये जो शेप है ना, ये मुझे काफ़ी मतलब इनहेंसिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बात करते हैं इसके फ्रंट हेडलाइट में, तो फ्रंट हेडलाइट में आपको हेलोजन हेडलाइट है, और इसमें आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाती है, एक आपको नॉर्मल हेलोजन मिल जाती है, नीचे आपको फॉग लैंप मिलती है, बट इसमें आपको कोई भी DRL नहीं मिलती। आप W8 लेंगे तो यहाँ पर आपको एक DRL देखने मिल जाएगी। बात करें आपको इसकी साइड की, तो साइड की आपको लुक कुछ इस प्रकार की मिलेगी आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भैया ने यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग करवाई है, ये आफ्टर मार्केट है। शोरूम में आपको ये आपको बॉडी कलर मिल जाएगी, मिरर ये भी आपको बॉडी कलर मिलती है, लेकिन भैया ने क्रोम लगवा के रखा है। तो बात करें इसकी टायर सेक्शन की, तो आपको इसको कुछ आपको कुछ इस प्रकार के टायर मिल जाती है, जो कि है आपको यहाँ पर 215/65 R16। आपको इसमें 16 की अलॉय मिल जाती है, जो कि कंपनी फिटेड है, आपको ये आफ्टर मार्केट नहीं है। तो अगर बात करें आपको इसकी व्हील बेस की, 2760 mm की आपको व्हील बेस मिल जाती है इसमें। अब आ जाते हैं आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको इसमें मिल जाती है 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। बात करें इसकी लेंथ की, तो आपको इसमें मिल जाती है 4585 mm की लेंथ मिल जाएगी आपको इस गाड़ी में। बात करते हैं इसकी विड्थ की, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई आती है आपको 1866 mm की, और इसकी हाइट आपको मिल जाती है 1779 mm की। और कर्व वेट की बात करें, तो इसमें आपको मिल जाती है 1680 kg कर्व वेट है इस गाड़ी की। तो बात करें इसकी बैक में, तो आपको कुछ इस प्रकार की आपको मिल जाती है शेप में आपको टेल लैंप, और यहाँ पे आपको रिवर्स की लाइट मिल जाएगी, यहाँ बैक लाइट है, और इधर आपको इंडिकेटर मिल जाती है, नहीं इंडिकेटर आई थिंक ये है, ये इंडिकेटर है, ये आपको रिवर्स लैंप है। अब बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो आपको इसमें मिल जाती है 190 लीटर की बूट स्पेस। और बात करें इसकी सीट की, आप इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, तो आपको अच्छी खासी इसमें आपको बूट स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। बात करें इसके रियर व्यू की, तो इसमें आपको मिल जाती है, आपको इसमें डिफॉगर मिल जाती है, और साथ ही आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाती है। अब आते हैं इसके नीचे में, तो नीचे साइड आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाती है सेंसर्स, बैक रिवर्स सेंसर जिसको बोलते हैं, और यहाँ आपको एक कैमरा मिल जाती है जो कि कंपनी फिटेड है। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह की फ्यूल टैंक की पोजीशनिंग मिल जाती है, जो कि है 45 लीटर्स की, और ये सिर्फ डीजल में ही अवेलेबल होती है कार, ये आपको पेट्रोल में नहीं मिलेगी, पेट्रोल में आती ही नहीं है। सो बात करें अब इसकी मेन डोर की, तो आपको इसमें मिल जाती है 4 पावर विंडोज की बटन यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से आप ORBM को सेट कर सकते हैं, और यहाँ आपको 1 लीटर की बोतल की स्पेस मिल जाती है, और इधर आपको बहुत काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, इसके अंदर आप रख सकते हैं अम्ब्रेला वगैरह। तो बात करें इसकी अगर सीट्स की, तो आपको कुछ इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल की सीट्स ऑप्शन मिल जाती है। अब बात करें इसके इंटीरियर की, तो आपको कुछ इस प्रकार की इंटीरियर मिलती है, जो कि इधर पूरा फुल आपको पियानो फिनिशिंग में मिल जाएगी। और बात करें इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो इसमें आपको मिल जाती है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन इसमें आई थिंक एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं आती है। इसमें आपको ब्लूटूथ और नेविगेशन की ऑप्शन मिल जाएगी, इधर आपको AC की कंट्रोल्स मिल जाती है यहाँ पे।
यहाँ आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा। अब बात करें इसकी आर्म रेस्ट की, तो इसमें आपको इंडिविजुअली मिलती है, इसमें आपको कोई एक जो आती है सेट वो नहीं आती है। यहाँ आपको कुछ स्टोरेज मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। बात करें इसकी हैंड ब्रेक की, तो ये मुझे काफ़ी मतलब बहुत अच्छी लगी। कुछ न्यू इनोवेशन बनाई थी उस समय महिंद्रा, अभी आपको हैरियर में मिल जाती है इस टाइप की। सो फ्रेंड्स, बात करें इसकी IRBM की, तो इसमें आपको मैनुअली मिल जाती है, इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक एडजस्टेबल नहीं मिलेगी। और बात करें इसकी ये कंसोल की, तो इसमें आपको मिल जाती है यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये कुछ एक न्यू और इनोवेशन बनाई थी, बैक में आपको कोई भी बैठा रहेगा आप यहाँ से उसको वॉच कर सकते हो क्या कर रहा नहीं कर रहा है। यहाँ आपको लाइट मिल जाती है, इधर आपको कर्टन्स मिल जाती है जो कि वैनिटी मिरर के साथ आती है। ये फीचर्स बहुत अच्छी है, यहाँ आपको मिरर मिल जाएगी, यहाँ ऊपर में आपको लाइट की पोजीशनिंग मिल जाती है। तो नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ आपको एक USB टाइप एक पोर्ट मिल जाती है, ऑक्स केबल मिल जाती है, और एक 12 वोल्ट की चार्जर भी मिल जाती है जो कि यहाँ लगा हुआ देख सकते हैं। बात करें इसकी स्टेयरिंग की, तो आपको इसमें मिल जाती है टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं आती इसमें। तो बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो आपको कुछ इस प्रकार की आपको स्टेयरिंग मिल जाएगी, और इसमें आपको एयरबैग यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपको कंट्रोल्स मिल जाती है, इधर भी इंफोटेनमेंट की, और इधर आप MID का कंट्रोल कर सकते हैं इसे। इधर आपको दो कंट्रोल्स मिल जाती है, जो कि एक इधर आप वाइपर का कंट्रोल कर सकते हैं इधर से आप लाइटिंग का आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको करनी पड़ती है। सो बात करें आपको इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको कुछ इस प्रकार की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, बट इसकी जो सुइया है वो आपको एनालॉग ही मिलेगी। यहाँ आपको MID मिल जाती है, डोर ओपन का यहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो बात करें इसका आपको क्लस्टर की, तो इधर आपको RPM मीटर मिल जाती है, इधर आपको टैकोमीटर मिल जाती है, बीच में आपको MID मिल जाती है, इधर आपकी फ्यूल गेज की इंडिकेशन दिखाती है, इधर आपकी टेम्परेचर की इंडिकेशन दिखाती है, और नीचे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप देख सकते हैं। 55,000 किलोमीटर अभी तक ये कार चल चुकी है। तो अभी मैंने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखा। अब बात करते हैं इसकी बैक की, बैक सीट की पोजिशनिंग की। सो बात करें इसकी बैक कंफर्ट की, तो बैक कंफर्ट इसकी बहुत ही अच्छी है, सीट जो है बहुत अच्छी रिक्लाइंड है। और बात करें इसकी नी रूम की, तो सफिशेंट है, आप आराम से स्पेस है इसमें। तो अब बात करें इसके हेडरूम की, तो आपको इसमें अच्छी खासी हेडरूम मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करें आपको इसकी रियर की, जो ये है आपको AC वेंट कुछ इस प्रकार की मिल जाती है, यहाँ आपको लाइट की एक मिल जाती है पोजिशनिंग, यहाँ से आप AC कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इसकी इंजन वे की, तो इसमें आपको मिल जाती है 1497 cc 4 सिलेंडर इन लाइन 4 वाल्व इंजन, इसमें आपको D15 1.5 लीटर की इंजन मिल जाती है। बात करें इसकी पावर की, तो इसमें आपको मिल जाती है 121 BHP का पावर, जो कि 3500 RPM पर जनरेट करती है। बात करें इसकी टॉर्क की, तो इसमें आपको मिल जाती है 300 Nm की टॉर्क, और इसका माइलेज आपको लगभग कंपनी क्लेम करती है 17 की माइलेज। तो इनके ओनर से जो बात की, तो वो बोले कि हमको हार्डली लोकल में 15 मिलती है और हाईवे में 17-18 की मिल जाती है। सो आपको कुछ इस प्रकार की आपको की मिल जाती है, फ्लिप की आती है महिंद्रा की तरफ से, और यहाँ आपको अनलॉक लॉक की बटन मिल जाती है, यहाँ से आप बूट रिलीज कर सकते हैं, बूट खोल सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।